फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का नया एपिसोड हमारे सामने है एंड ये एपिसोड काफ़ी डीप, इंटेंस, डिप्रेसिंग एंड काफ़ी सारी इमोशनल चीज़ों से भरा हुआ था। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक फ़ैन थियरी। सो अभी ये फ़ैन थियरी किसके बारे में है, किसके रिगार्डिंग है, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जॉन वॉकर थोड़ा एविल टाइप का था, मतलब उसमें थोड़ा एटीट्यूड वगैरह था, लेकिन वो और एविल हो गया और हमने काफ़ी सारे मीम्स देखे, गुड बिकम बेटर, एविल बिकम वर्स, और वहाँ पे उसको सुपर सोल्जर सीरम मिलने के बाद वो और वर्स्ट हो गया। अब मेरी थियरी ऐसी बोलती है कि उसने जो ब्रूटलिटी करी है वहाँ जो कॉमन पीपल ने देख ली है एंड वो लोगों को पसंद नहीं आया एंड लोगों ने भी रिकॉर्ड भी किया है एंड ये सब एमसीयू के सोशल मीडिया में जरूर वायरल होगा एंड वहाँ पे हैशटैग्स लगाए जाएंगे बॉयकॉट जॉन वॉकर। और जब हमने सब हैशटैग्स लगाए थे वो थे फॉर रिलीज द स्नाइडर कट। गवर्नमेंट अभी जॉन वॉकर से शील ले लेगी, अब गवर्नमेंट करप्ट हो गई है, अब यह जॉन वॉकर ने जो अंधे जैसा कांड किया है तो वॉकर से शील डेफिनेटली ली जाएगी। अफगानिस्तान के वॉर के वक्त जिसको सबसे ज्यादा बैकलैश मिला था वो था वॉकर एंड लेमार। अब लेमार मर गया एंड रोडी ऑलरेडी वॉर मशीन है, सो आएगा फाल्कन, क्योंकि फाल्कन ने भी एक मिशन किया था, आई गेस वो भी मिडल ईस्ट में ही था। इवन दो ब्लैक्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, गवर्नमेंट उसको खुद से अप्रोच नहीं करेगी और यहाँ पे सैम खुद गवर्नमेंट को अप्रोच करेगा एंड बन जाएगा दी कैप्टन अमेरिका एंड देन उसको शील्ड मिलेगी एंड देन वॉकर को और गुस्सा आएगा क्योंकि उसने कैप्टन अमेरिका के पोस्ट के लिए तो सुपर सोल्जर सीरम लिया था। अब जब वो कैप्टन अमेरिका ही नहीं रहा तो सुपर सोल्जर सीरम का काम क्या? अगर मेरे कनेक्शन के हिसाब से देखो तो शील्ड 2014 में ही कोलैप्स हुई थी जब कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर का किस्सा हुआ था। उसके बाद जो भी शील्ड में दिखी थी वो सारी फेक थी, यानी कि स्कल्स ने संभाली हुई थी एंड फ्यूरी तो बैठे हैं मून पे। सो शील्ड के बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसा कांड कर सकती है वो है स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और अब मोनिका गई है मून पे एंड लसन को तो जेल भेज दिया, तो ऐसा हो सकता है कि जॉन वॉकर स्वॉर्ड ज्वाइन करेगा एंड जॉन वॉकर का ऐसा नेचर है ना कि वो कभी भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा। अब जॉन वॉकर का जो कैरेक्टर उसका ये हाल है ना कि उसे जिंदा रखा फिर भी लोगों को बुरा लगेगा और मर गया फिर भी लोगों को बुरा लगेगा, और मार्वल ये कैरेक्टर को ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देगा। और जैसे कि फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखा थी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन दिखाई गई थी जिससे बैड रॉक लीड कर रहा था, सो मे बी ऐसी भी प्रोबेबिलिटी है कि यूएस एजेंट उसमें चला जाएगा। लेकिन जॉन वॉकर फिर फाल्कन एंड बकी को मारने के लिए कोई भी हद तक जा सकता है, लिटरली कोई भी हद तक, मार्क माई वर्ड्स। और यहाँ पे इधर भी एक प्रॉब्लम है, वो है कुछ मार्वल फैंस ना कोई कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को लेके इतनी ज्यादा अनबक हो गया कि क्या ही बोलूं मैं। एंड आपके सामने दो लाइव एग्जांपल्स थे जो कि टोनी एंड कैप, अगर कोई भी कैरेक्टर उसका रोल प्ले करेंगे तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, हजम ही नहीं कर सकते। अब वैट रसल ने जॉन वॉकर का कैरेक्टर प्ले किया जो कि बनते हैं नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका, और यहाँ पे उसे मौत की धमकी आने चालू हो गई है। मतलब गाइस दिस इज लिटरली टू मच, कोई भी कैरेक्टर को अपने आप पे इतना ज्यादा भारी होना है नहीं देना कि ऐसे लिमिटेशंस क्रॉस हो जाए। सो स्टार्टिंग से जो कैरेक्टर्स मार्वल से जुड़े हुए वो कहीं ना कहीं उन्हें एंड करना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट नाम की वही कोई चीज होती है। सो फैंस को समझना पड़ेगा कि एक स्टोरी एंड स्टोरी में एंड होता ही है, सो मूव ऑन होना चाहिए एंड मार्वल अब थोड़ा डार्क टोन के ऊपर बढ़ रहा है। और जीमो भी यही चाहता है कि सुपर सोल्जर सीरम बने ही ना और सब नॉर्मल पीपल रहे, और मैं भी अगर उसके जगह पे होता तो मैं भी यही करता कि यार सुपर सोल्जर शुड नॉट बी अलाउड टू एग्जिस्ट। एक प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं ऐसी भी लग रही है कि अगर जॉन वॉकर से उसकी पोस्ट छीन ली और उसे जेल में डाल दिया, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पावर ब्रोकर उससे कॉन्टेक्ट करेगा या फिर हमारा जॉन वॉकर क्या जेल से छूटने के बाद इन दोनों का होगा और फिर शायद इन दोनों का कुछ आपस में हो जाएगा और दोनों एक साथ हो जाएंगे। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपसे एक फैन थ्योरी शेयर की कि कैसे अगर फाल्कन कैप्टन अमेरिका बिना तो उसका असर जॉन वॉकर पे कैसा होगा, और एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, किसी भी कैरेक्टर को जाके पर्सनल लेवल पे हेट मत करना, डेथ थ्रेट मत देना। दैट्स इट फॉर टुडे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सुपर हीरो एंड बी सेफ।